नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैरीगोल्ड की कटिंग अभी लगा लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक महीने और बचा है दोस्तों बारिश का। ऐसे मौसम का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे लास्ट तक कर, पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। ये देखिए, ये कैना लिली के फ्लावर के साथ में देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी स्टिक आई थी लेकिन खिल के और ये सीड्स बन रहे हैं इसमें। ये देखिए, ये वाला भी इसमें, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है, इसमें भी काफ़ी बहुत सारी स्टिक आई थी। बहुत फूल खिले थे दोस्तों, इतने फूल खिले थे इसके अंदर कि मैं क्या ही बताऊं। तो दोस्तों, कल हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई। इतना छत पे पूरा पानी फैल गया था। और ये देखिए, पूरी जो जाली लगी हुई थी वो टूट गई, सारा कुछ इतना पानी भरा हुआ था। और सामने देखिए, हमारे यहाँ खेत है, सोयाबीन लगा हुआ है इस खेत में, तो इतनी बारिश हुई। तो दोस्तों, ऐसे मौसम में क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें। और अभी मैरीगोल्ड का बहुत ही अच्छा समय है कटिंग लगाने का, तो अभी आप इसकी कटिंग लगा लीजिए दोस्तों। वैसे तो आप बहुत सारे प्लांटों की कटिंग लगा सकते हैं, जो भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो वो लग जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके लिए मिट्टी कैसे बनाएं, तो हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको मिट्टी के बारे में बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, बारिश का समय है तो अभी हमारी जो पुरानी गमले की जो मिट्टी होती है उसी में हम लगा सकते हैं, उसमें भी लग जाती है। और अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो नई मिट्टी के लिए आप क्या चीज़ लीजिएगा। और एक चीज़ और दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने रेन लिली के जो बल्ब मंगाए थे, 30 बल्ब मंगाए थे दोस्तों, काफ़ी में फ्लावर आके, और ये देखिए सीड्स भी बन रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। और जिसमें फूल खिले थे उसमें मैंने ये नेम प्लेट लगा दिए हैं कि कौन कौन से कलर के फूल खिले हुए थे दोस्तों। ये देखिए, और अभी भी फूल खिला हुआ है, ये गाजरी कलर का है, तो मैंने सभी में नेम प्लेट लगा दिए हैं जिसमें फूल खिले। मतलब लगाते सी सबसे पहले दोस्तों पत्ती नहीं आई, सीधे फूल की स्टिक निकली और फूल आए इसमें। तो चलिए दोस्तों, हम मिट्टी की बात कर रहे थे, तो ये देखिए, हमने ये मिट्टी ली है। तो दोस्तों, इसमें मैंने ली है सेंड की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए, 50% हमें गार्डन सॉयल लेना चाहिए और 30% हमें सेंड की लेना चाहिए, 10% हमें इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला लेना चाहिए और 10% हम इसमें नीम खली मिला सकते हैं। नीम खली ना हो तो दोस्तों फंजीसाइड का पाउडर मिला लीजिए, या राख मिला लीजिए, या हल्दी मिला लीजिए, कोई भी एक फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिन हैं, बारिश में फंगस का अटैक बहुत होता है। तो मिट्टी को हमें फंजीसाइड से ज़रूर फंजीसाइड मिलाना चाहिए और फंगस रहित मिट्टी बनाना चाहिए। तो आप इस प्रकार मिट्टी बना लीजिए। तो मैंने दोस्तों, मेरी पुरानी मिट्टी है, मैंने अभी इसमें नई मिट्टी नहीं डाली है, क्योंकि मेरी जितनी भी मिट्टी बनी हुई रहती है हमारी, तो वो सेंड और फंजीसाइड से युक्त तो होती है। और एक पार्ट में इसमें गोबर खाद ज़रूर मिलाती हूँ, गोबर खाद नहीं होता है तो बर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ। तो दोस्तों, मेरी मिट्टी ये तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी हमारा प्लांट लेना चाहिए। वैसे मैरीगोल्ड की देखिए, मैंने कितने सारे मैरीगोल्ड के प्लांट उगाए हैं। देखिए, ये अधिकतर मेरे सीड्स हैं और बहुत सारे दोस्तों मैंने कटिंग भी लगाई। मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, ये मैंने सीड से ग्रो किए थे, ये देखिए, ये मेरे पूरे सीड से ग्रो किए हैं और इसी की मैंने कटिंग लगा के, और फिर मैंने कटिंग भी लगाई थी जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी कटिंग। तो ये कटिंग लगाई थी और कितनी सारी हो गई, इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है
अभी मुझे वक्त नहीं मिल रहा है कि अलग अलग से मैं ट्रांसफ़र करूँगी। दोस्तों मैंने इसकी पिंचिंग भी कर दी है। पिंचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम पिंचिंग कर देते हैं तो हमारा पिंचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें से दो ब्रांच निकलती है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी पिंचिंग की थी, यहाँ से देखिए ये दो ब्रांच निकली है। और अगर हम यहाँ से फिर ऊपर से पिंचिंग कर देंगे तो फिर इसमें से दो 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 ब्रांच और निकलेगी। तो इस प्रकार हमारा प्लांट बुशी हो जाता है और ढेरों फूल आते हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं में से कटिंग लेंगे। तो कटिंग कैसे लीजिएगा दोस्तों, मैरीगोल्ड की कटिंग तो ऐसी है कि आप पाँच इंच की, 4 इंच की कटिंग भी आप लगाओगे तो आसानी से लग जाएगी। तो दोस्तों हम इसी में से कटिंग लेंगे, देखिए। और कटिंग जब भी ले हो तो आप ये देख लीजिएगा उसमें कली नहीं बन रही हो। दोस्तों अभी बहुत कम ही प्लांटों में कली निकल रही है। सॉरी, अक्टूबर का महीना आएगा, अक्टूबर नवंबर में अच्छे फूल आ जाएंगे दोस्तों। और दीपावली तक के तो इसमें भरपूर फूल आ जाएंगे और फूलों से भरा रहेगा हमारा गार्डन। तो अभी हम कटिंग लगाएंगे तो दीपावली तक के हमारे ढेरों कटिंग तैयार हो जाती है दोस्तों। ये देखिए कुछ ही प्लांट में इसमें कली आ रही है। ये मदर प्लांट से मैंने कटिंग लगाई थी। और कटिंग लगाने का एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि जब हम कोई कटिंग मदर प्लांट से कटिंग लगाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी कली आती है, और जो सीड से ग्रो होता है उस प्लांट में टाइम लगता है। ये वाली मैंने कटिंग लगाई थी दूसरे प्लांट की, तो देखिए इसमें कलियां बन गई है। ये सारे प्लांटों में कलियां बन गई है, ये देखिए। और जो सीड से ग्रो करते हैं उसमें टाइम लगता है। ये देखिए, ये मेरे सीड से ग्रो करने वाले हैं, ये भी मेरे सीड से ग्रो किया है किया वाला है प्लांट। तो इसमें अभी कलियां नहीं बनी, तो हम इसी में से आप कटिंग लेंगे। तो दोस्तों कटिंग के लिए ज़्यादा बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 4 से 5 इंच की कटिंग ले लेंगे हम यहाँ से, और ये बहुत ही आसानी से हाथ से भी टूट सकती। आप चाहे तो कटर कैंची जो भी ले सकते हैं। तो हम इसमें से ये कटिंग लेंगे दोस्तों। ये हमारा पिंचिंग भी हो रही है, साथ साथ हमारी कटिंग भी काम आ जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ से पिंचिंग की है, समझो कटिंग ली है। तो यहाँ से ये नई नई दो ब्रांच निकलेगी, तो ये हमारा प्लांट बुशी होगा और हमारी कटिंग भी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें से भी हम लेंगे। और बारिश के दिन में दोस्तों, बारिश के दिन में बहुत जल्दी, वैसे ही भी ये प्लांट ऐसा है कि इसमें बहुत जल्दी रूट्स बन जाती है। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें से भी कटिंग लेंगे और एक ये हम 4 कटिंग निकालेंगे। हम पहले निकाल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने कैंची ली है, क्योंकि कोई कोई प्लांट ऐसा होता है कि टूटता नहीं है, तो हम कैंची से इसको तोड़ लेंगे, मतलब काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैरीगोल्ड का प्लांट ऐसा है कि इसमें देखिए ऊपर तक के, इसमें बारिश के दिन में इसमें रूट्स बन जाती है। ये देखिए, ये ऊपर तक की इसमें रूट्स बनी हुई है। ये देखिए ऊपर तक के रूट्स आ गई है, तो बहुत जल्दी इसमें 6-7 दिन में इसमें रूट्स बन जाती है और हमारा प्लांट एक नया तैयार हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सारी पत्तियों को हटा देंगे, क्योंकि अगर ये पत्तियाँ रहेगी तो ये बेकार की एनर्जी फालतू खर्च करेगी। जड़ जब बनेगी तो जड़ पे फोकस नहीं होगा। अगर पत्तियां नहीं होगी तो इसकी पूरी जो ताकत होती है, पूरी जो एनर्जी है, जल्दी से जड़ बनने में लगा देगी। तो हम इसकी सारी पत्तियां हटा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 4 कटिंग ले ली। वैसे आप चाहे तो कहीं से भी ला सकते अगर आपके गार्डन में नहीं हो। और इसको 1 से 2 नोड हम नीचे मिट्टी में गड़ा देंगे, बहुत ही आसान है लगाना, क्योंकि कल इतनी बारिश हुई थी तो हमारे यहाँ की मिट्टी वैसे गीली है। तो दोस्तों इसको आप कहीं से भी ला सकते हैं, कोई फ्रेंड के यहाँ से ला सकते हैं कहीं। ये चीज़ तो ऐसी है कि रोड साइड भी बहुत आसानी से मिल जाती है, रोड साइड भी बारिश में बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं, वहाँ से भी आप कटिंग ला के लगा सकती है। और दोस्तों इसको सुबह की धूप में रखेंगे, वैसे आप खुले में कहीं पर भी रख सकते हो इसको, बारिश में तो आसानी से उग जाएगी। बारिश का पानी लगेगा भी, तो 1-2 पानी लगेगा तो इसको कुछ नहीं होना है, जड़ जल्दी से आ जाती है इसकी। इस प्रकार हम दबा देंगे इसकी आसपास की मिट्टी को। ये देखिए, गार्डन में आप कहीं पर भी रख दीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि लगातार बारिश का पानी ना लगे।
एक दो पानी तो झेल लेगा, लेकिन उसके बाद में ये गल सकता है। लेकिन बहुत जल्दी से, एक हफ्ते में तो इसकी रूट्स बन जाती है, और बहुत ही अच्छे से अगर इसको एक पानी पड़ेगा, जैसे अगर हमने अभी लगाया है और अभी बारिश आ गई, तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए, बहुत जल्दी रूट्स बन जाती है। इस प्रकार आप कटिंग लगा सकते हैं और अपने दिवाली तक के ढेरों प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।